तिरुपति द्रौपदी मृत्युपై पश्चिम बंगाल मंत्री तृणमूल कांग्रेस नेता अखिल गिरी चेसिन व्याख्यल निरसन कोलकाता बीजेपी आध्वर्यंलो भारी प्रदर्शन निर्वहिंचार तोलुत शासनसभा प्रांगणंलो निरसन तेलिपिन एम्मेल्येल तर्वात मुर्मू चित्रपटाल मेडल वेसुकोनी मंत्रिवर्गं नुंचि मंत्री अखिल गिरिनि तोलगिंचालंटू प्रदर्शन चेशारु पश्चिम बंगाल बीजेपी शासनसभा पक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी नेतृत्व में आ पार्टी शासन सभ्यु आंदोलन चेपट्टारु पश्चिम बंगाल मंत्री व्याख्यलपै बीजेपी शासन सभ्यु असेंबली वायदा तीर्मानं कोरगा स्पीकर बिमन बेनर्जी दीन्नि अनुमतिंचलेदु दीन्तो बीजेपी एम्मेल्येलु सभलो लेचि निनादालु चेशारु दादापु 15 निमिषाल पाटु गंदरगोळं कोनसागडंतो सभनु मध्याह्नानिकि वायदा वेशारु राष्ट्रपति फोटोलतो कूडिन प्लकार्ड्स प्रदर्शिस्तू बीजेपी शासन सभ्यु असेंबली आवरणलो वेलुपुल निरसन तेलिपारु మరోవైపు కోల్కతాలో బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ఆ పార్టీ నాయకులు భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు అఖిలగిరిని మంత్రివర్గం నుంచి బర్త్రప్ చేసే వరకు తమ ఆందోళన కొనసాగుతుందని ఈ సందర్భంగా సువేందితో పాటుగా బీజేపీ నాయకులు తెలిపారు आज हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका सरकार का मंत्री अखिल गिरी हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपमान करेंगे उनका चेहरा लेकर और चार दिन बाद ममता बनर्जी उसमें माफी मांगेंगे और मंत्री का अखिल गिरी का अभी तक कोई बर्खास्त नहीं हुआ है, अभी तक उनका कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक वो माफी भी नहीं मांगे हैं, ये चलेगा नहीं। और इसी के लिए आज विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और अभी हम लोग भी जा रहे वाई चैनल तक, वहां भी प्रतिवाद है, प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक बर्खास्त नहीं होता है। वही बात है, जब ममता बनर्जी को लेकर कोई मिम बनाता है तब उनका अरेस्ट हो जाता है। आज बीरबाहा मंत्री बीरबाहा हंसदा वो शुभेंदु अधिकारी का अगेंस्ट में एक SC ST कमीशन का एक ये किया है, तो अगर SC ST कमीशन का कंप्लेन किया है शुभेंदु अधिकारी जी को लेकर, तो फिर हमारे माननीय राष्ट्रपति को लेकर क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कंप्लेन नहीं किया है? मुख्यमंत्री को तो अनबायसली देखना चाहिए, लेकिन इस राज्य में आप कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, होम मिनिस्टर हो, आप उनको अपमान कर सकते हैं अगर वो बीजेपी का हो, लेकिन अगर ममता बनर्जी को कोई कुछ बोले या पार्टी को कोई कुछ बोले तो आपका अरेस्ट हो जाएगा। यही है आज।